कभी यूपी, कभी एमपी, कभी बंगाल, कभी हरियाणा। देसी शराब के काले कारोबार में तिजोरियां भरने वाले मौत बेच रहे हैं। यह सिर्फ शराब नहीं है, जहर है। हाल ही में हरियाणा के यमुनानगर में 22 लोग ये जहरीला जाम पीकर मौत की नींद सो गए। इससे पहले भी जहरीली शराब ने न जाने कितने घरों को सूना किया है। देश भर में कितनी ही बार अलग अलग जगहों पर देसी शराब के जहर ने कितने ही परिवार उजाड़ दिए। यमुनानगर में जहरीला जाम मौत का जाम बन गया। आपको बताएंगे कैसे गली गली, गांव गांव, शहर शहर देसी शराब के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब तलाशने बेहद जरूरी हैं, ताकि जवाबदेही तय हो सके, इन बेमौत मारे गए लोगों को इंसाफ मिल सके। मौत के सौदागरों को सजा दिलाई जा सके। सरकार सिस्टम से सीधा सवाल किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि फिर किसी के घर का चिराग जहरीली शराब के कारण नहीं बुझेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुतेश नैन मोर। आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से यमुनानगर के शराब कांड का पूरा ब्यौरा आपको देंगे। आपको बताएंगे देसी दारू क्या होती है, कैसे बनती है और जानलेवा कब बन जाती है। कच्ची शराब बनाने में ऐसी क्या गलती है जिससे ये जहर बन जाती है। देसी शराब के कारोबार में जहर का कहर सालों से जारी है। देसी शराब बनाने में मिलावट से मौत का सिलसिला भी जारी है। देसी शराब, जिसे आम बोलचाल में कच्ची दारू भी कहते हैं, इसे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अमूमन लोग इसे घर पर खेतों में बड़ी आसानी से बना लेते हैं। इसे बनाने का रहस्यमयी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। पर सवाल उठता है कि कब, कैसे और क्यों ये शराब जहर बन जाती है। ऐसी गलती क्या हो जाती है कि जिससे ये लोगों की जान ले लेती है। ऐसा गलती में हो जाता है या फिर किसी और कारण से ऐसा होता है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि ये शराब जहर कैसे बन जाती है। दरअसल कच्ची शराब को और ज्यादा नशीला बनाने के चक्कर में ऐसा किया जाता है। वैसे तो इसे गुड़ या शीरा से बनाया जाता है, लेकिन इसमें यूरिया और बेसरम बेल की पत्तियां डाल दी जाती हैं, ताकि इसका नशा ज्यादा हो जाए और नशा टिके भी, यानी ज्यादा देर तक रहे। शराब को और ज्यादा नशीला बनाने के लिए इसमें ऑक्सीटोसिन मिला दिया जाता है, जो मौत का कारण बनता है। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल जानलेवा है। इससे शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। इसकी ज्यादा मात्रा इंसान की जान ले लेती है और कम मात्रा में आंखों में जलन या आंखों की रोशनी जा सकती है। पेट में जलन, शरीर पर खारिश हो जाती है। कच्ची शराब में यूरिया और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल पदार्थ मिलाने से मिथाइल एल्कोहल बन जाता है, जो लोगों की मौत का कारण बनता है। जानकारों के मुताबिक मिथाइल के शरीर में जाते ही रिएक्शन हो जाता है। इससे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और तुरंत मौत हो जाती है। कुछ लोगों के शरीर में रासायनिक प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, ऐसे में उनकी जान बचाई जा सकती है। जिस शराब को देसी कहकर बेचा जाता है, वो 95% तक शुद्ध अल्कोहल है, यानी बिना मिलावट के से एथेनॉल भी कहते हैं। ये गन्ने के रस, ग्लूकोज, शोरा, महुए का फूल, आलू, चावल, जौ, मकई जैसे किसी स्टार्च वाली चीज का किण्वन करके तैयार किया जाता है। इस एथेनॉल को नशीला बनाने के लालच में ही कारोबारी इसमें मिथेनॉल मिलाते हैं। यह जहरीली तब हो जाती है, इसके साथ कास्ट अल्कोहल, कास्ट नेफ्ता के नाम से मशहूर मिथेनॉल की मिलावट में संतुलन बिगड़ जाता है। ब्रांडेड या लाइकर बनती है, वो बड़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ और रिग्रेस क्वालिटी कंट्रोल के साथ बनती है, जिसमें इथेनॉल होती है, इथाइल अल्कोहल होती है, और वो पीने के लिए जो है वो
कंज्यूमेबल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं, वो हम जो लोग लेते हैं मार्केट में जो मिलती है वो कंज्यूमेबल अल्कोहल मिलती है। लेकिन जो हूच है या जहरीली शराब जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही क्रूड सेटिंग में तैयार की जाती है, जहाँ पे कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं होते, और उसमें एथेनॉल की जगह जो मिथेनॉल है वो बहुतायत में उसमें आ जाती है। हालांकि ये जो ब्रांडेड जो अल्कोहल होती है उसके अंदर भी बहुत छोटी क्वांटिटी में मेथेनॉल उपलब्ध रहती है, प्रेजेंट रहती है, लेकिन वो उतना नुकसान नहीं करती। एथेनॉल और वो प्रोसेस डिस्टिलेशन की वो सारी प्रोसेस सेम है, लेकिन वो एक तरीका है जो आपको जिस तरह से हम बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी लगेगी, वो धीरे धीरे प्रोसेस करके उसको डिस्टिलेशन की प्रोसेस करके प्योरीफाइड की ऑक्सीजन जो प्योर फॉर्म में लेके आएगी। और ये जो क्रूड मेथड है जो ये अपनाते हैं जो फैक्ट्रियों में ये जो बनाते हैं, जो इसमें कोई ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता, ये छोटा सा प्रोसेस लगाएंगे और उसमें वो जिस तरह हमने छानने की छलीला लगा दी और वो दूसरी तरफ से शराब इकट्ठी होती रही, तो उसमें फिर इथेनॉल की बजाय मिथेनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा चली जाती है। तो वो मिथेनॉल जो है वो शरीर के ऊपर बहुत आँखों के ऊपर और शरीर के ऊपर ब्रेन के ऊपर बहुत डैमेजिंग इफेक्ट डालती है, क्योंकि वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस के हिसाब से सेपरेट नहीं हो पाई। अगर वो प्योर फॉर्म में चली जाएगी इथेनॉल फॉर्म में तो वो उतना नुकसान नहीं करेगी, वो हमारी ब्रांडेड लाइकर बन जाएगी, लेकिन अगर वो क्रूड फॉर्म में जाएगी तो वो शरीर के ऊपर जहरीला असर करेगी, तो इसलिए इसके घातक परिणाम होते हैं। उसके ऊपर पैसा क्योंकि कम लगता है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस बहुत महंगी है इसलिए शराब महंगी होती है, और ये क्योंकि इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं लगता इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो ये सस्ती मिल जाती है, तो इसमें मुनाफाखोर जो हैं वो इस तरीके की मिलावट करके बीच में इसको बेच देते हैं, और कई लोग जो शराब के आदि हैं वो लोग इनके हाथे चढ़ जाते हैं और वो जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेथेनॉल केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे सरल एल्कोहल है। सामान्य ताप पर यह लिक्विड रूप में होता है। इसका इस्तेमाल एंटी फ्रिजनर के तौर पर दूसरे पदार्थों का घोल तैयार करने के काम में और ईंधन के रूप में होता है। ये एक रंगहीन और ज्वलनशील द्रव्य है। इसकी गंध यानी एथेनॉल यानी कि पीने के काम आने वाले अल्कोहल जैसी ही होती है। मेथेनॉल जहरीली चीज है जो पीने के लिए बिल्कुल नहीं होती। इसे पीने से जान जा सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है। इंडस्ट्री एथेनॉल का काफी इस्तेमाल करती है क्योंकि इसमें घुलने की गजब की क्षमता होती है। जहरीली शराब पीने के बाद शरीर कैसे रिएक्ट करता है इस पर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि सामान्य शराब एथेनॉल एथेनाइल अल्कोहल होती है, जबकि जहरीली शराब मिथाइल अल्कोहल कहलाती है। कोई भी अल्कोहल शरीर में लीवर के जरिए एल्डिहाइड में बदल जाती है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल फॉर्मेलाइड नाम के जहर में बदल जाता है। ये जहर सबसे ज्यादा आंखों पर असर डालता है। अंधापन इसका पहला लक्षण है। किसी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है तो इसे फॉर्मिक एसिड नाम का जहरीला पदार्थ शरीर में बनने लगता है। यह दिमाग के काम करने की प्रक्रिया पर असर डालता है और इसी वजह से ये नुकसान पहुंचाता है। ये मेथेनॉल जो है वो हाई कंसेंट्रेशन में स्पूरियस मेडिसिन स्पूरियस जो है अपनी हूच या जो जहरीली शराब इसमें मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है शरीर को, क्योंकि इसकी हाई कंसंट्रेशन जो है वो हमारे शरीर में जब जाती है तो वो एक जहर का काम करती है। उसे जो हमारे ब्रेन है उसमें स्वेलिंग होती है, एडिमा स्वेलिंग सेरिब्रल एडिमा होता है, ब्रेन की स्वेलिंग होती है, उसके साथ साथ हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, और उसमें व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से ये जो है बिल्कुल सही है कि जो अनब्रांडेड हूच जो उसको जहरीली शराब पी के बोलते हैं जो स्पूरियस लाइकर होती है वो तो पीना सीधा का सीधा अपने मौत को आमंत्रण करने जैसी बात है। जहरीली शराब का इलाज भी शराब से ही होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मिथाइल अल्कोहल के जहर का इलाज इथाइल अल्कोहल है। जहरीली शराब के एंटीडोट के तौर पर टैबलेट भी मिलती है, लेकिन भारत में इसकी उपलब्धता काफी कम है। वो आइडली ऐसी सेटिंग में बैठकर शराब पीते हैं जहां पर वो आम व्यक्तियों से दूर होते हैं, सोसाइटी से पीछे हटकर कहीं लोग बैठकर किसी जगह पर पीते हैं। और इस तरीके की जहरीली शराब जो क्योंकि बनाने वाले लोगों को भी पता होता है कि ये जेन्युइन अल्कोहल नहीं है, ये दूसरे तरीके की बनाई हुई शराब है, तो वो इनको आम मार्केट में नहीं मिलेगी, तो इसका सप्लाई का भी एक डिफरेंट चेन मैकेनिज्म है जिस तरीके से ऐसे लोगों तक पहुँचाई जाती है बीच के मीडिएटर के माध्यम से। ये आम शराब की दुकानों पर ये दवाइयाँ ज़्यादातर ये शराब नहीं मिलती, तो वो नेटवर्क इस तरीके से बना होता है कि एक जगह छिपे हुए बैठ के कहीं लोग ऐसी तरीके से पीते हैं। वो जब सिम्टम उनको और शराब का सीधा सारे हमारे शरीर के अंगों को डिप्रेस करती है, तो उसमें जब शराब का असर आ रहा है तो वो शराब की वजह से आ रहा है, उसके हार्मफुल इफेक्ट जो हैं मेथेनॉल के आ रहे हैं, ये इमीडिएटली मरीज और सभी वो जो जमावड़ा लगा होता है वो समझ नहीं पाता। लेकिन जब ब्लीडिंग शुरू होती है, जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है, तब लोगों को पता लगता है और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है इमीडिएटली। तो इसमें अगर हम इथेनॉल दे देते हैं, इथेनॉल एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड है
जो अगर हम दे दें इथेनॉल तो वो इसकी एब्जॉर्प्शन को घटा देता है मिथेनॉल की, एक तरीका है स्पूरियस शराब से बचाने का। इसी तरह से एक एंटीडोट भी अवेलेबल है जो फोमीप्राजोल के नाम से आता है, जो शरीर में इसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। लेकिन ये क्योंकि समय इतना नहीं मिल पाता मरीज के साथ, क्योंकि वो इस तरीके की सेटिंग में बाहर होते हैं, ये कोई एक्सीडेंटल पॉइजनिंग तो है नहीं, ये तो एक किस्म से ये समझ लीजिए एक ये वो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या लेने जा रहे हैं, या तो उनको पहले से पता हो तो वो उसकी व्यवस्था करेंगे, परिवार को भी पता होता है तो वो बहुत लेट स्टेज में अस्पताल तक सेटअप तक पहुँचते हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस बार यहाँ पे भी और कई जगह पे भी जो हमारा एंटीडोट था वो अवेलेबल ही नहीं था, तो वो भी लोगों को नहीं मिल पाया, उसकी वजह से भी जो है वो डेथ का वॉल्यूम जो बढ़ा है। ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी कौन सी दवाई है? मैंने कहा इसका एंटीडोट होता है फोमीपाइजोल के नाम से आता है, फोमीपाइजोल के नाम से। वो यमुनानगर में उपलब्ध ही नहीं था उस समय पर जब ये इतना इंसिडेंट हुआ, यहाँ तक कि पीजीआई में भी उपलब्ध नहीं था, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग जो कुछ वैल्यूएबल जान बचाई जा सकती थी उसमें भी जो है वो नहीं बच पाई। पर इस जहरीली शराब ने यमुनानगर और अंबाला में कई घर उजाड़ दिए। आप तक ये स्पेशल रिपोर्ट पहुंचाने तक मौत का आंकड़ा 22 तक पहुंच चुका है। यमुनानगर में 18 और अंबाला में 4 लोगों की जान गई है। सवाल है कि इन मौतों का कसूरवार कौन है? एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? शराब कांड के आरोपियों की धरपकड़ जारी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सैकड़ों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये तो पुलिस का रूटीन वर्क है। इतना बड़ा कांड हुआ है, कार्रवाई तो होगी ही, पर पहले यही पुलिस क्या कर रही थी जब अवैध तरीके से शराब की फैक्ट्री में जहर बनाया जा रहा था? मुनाफाखोर, मौत के सौदागर जहर बेचकर लाखों करोड़ों कमा रहे थे। चलिए इस पर आगे तफसील से बात करेंगे। यमुनानगर के गांव मंडेबरी, पंजेटो का माजरा, सारण और फूसगढ़ में ये मौतें हुई हैं। मृतकों के परिजनों का कहना है कि अवैध शराब का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन इससे रोकने वाले ही जब दबंगों के साथ मिलकर लोगों को जहर पिलाएंगे तो भला कौन इस पर रोक लगाएगा? असल में यही सच है, बिना मिली भगत, बिना तंत्र की शय, अवैध शराब का काला कारोबार नहीं हो सकता। तभी तो पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे दबंगई के साथ खुलेआम शराब के नाम पर जहर बेचा जा रहा था। पीड़ितों की हालत जानकर दिल पसीज जाएगा। सिर्फ कुछ जाने नहीं गई, कई परिवार बर्बाद हुए हैं। रविंदर उर्फ सोनू और रमेश को भी जहरीली शराब निगल गई। दोनों भाइयों की अर्थी एक साथ उठी तो विधवा बुजुर्ग माँ होश को बैठी। दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी तो पिता का मतलब तक नहीं पता था। पिता का साया उठना क्या होता है ये नन्ही जाने नहीं जानती। यमुनानगर के एसपी गंगाराम पूनिया ने बताया कि अंबाला जिले में एक अवैध फैक्ट्री में इसे तैयार किया गया था, फिर इस शराब को ठेके तक पहुंचाया गया, जिसके बाद इसे खुर्दों पर सप्लाई किया गया। एसपी ने बताया कि हमारी अभी तक की जांच में सामने आया है कि अवैध शराब कांड में फूसगढ़ का मुख्य आरोपी महेंद्र है, गौरव, मांगेराम, अमरनाथ, प्रदीप इसके साथ ठेके चला रहे थे, ये सभी इस मामले में शामिल है, सभी पहुंच वाले हैं, दबंग है। देखिए, इस प्रकरण में हमने 3 अलग अलग पुलिस स्टेशन में 3 FIR रजिस्टर करी थी और तीनों ही FIR रजिस्ट्रेशन के बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया था। अब तक की जांच के दौरान हमने 19 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, 18 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं, एक आरोपी को आज माननीय अदालत में पुनः पेश किया जाएगा। साथ ही कुछ आरोपी जो अंबाला जिला पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनमें से भी कुछ आरोपी हमारे मुकदमे से संबंधित भी हैं, जिनको प्रोडक्शन वारंट हम माननीय न्यायालय से जारी करवा करके उनको भी जांच में शामिल करेंगे। जितने भी हमारे इस मामले दर्ज हुए थे उनमें जो भी अहम गवाह हैं या जो शिकायतकर्ता पक्ष के जो परिवार से रिलेटेड बंदे हैं जो इस मामले के तथ्यों से वाकिफ़ हैं उनका माननीय अदालत में हमने CRPC की धारा 164 के तहत बयान भी कलमबद्ध कराए हैं ताकि अच्छे और ठोस सबूत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकें। मौत का आंकड़ा कितना है और कितने की सिचुएशन फिलहाल क्रिटिकल है? देखिए, इस मामले में टोटल 12 लोगों की जो जाने गई थी उनके जिनके पोस्टमार्टम भी जिला पुलिस के द्वारा करवाए जा चुके हैं और साथ ही 6 ऐसे व्यक्तियों की डेथ हुई थी जिनके परिवार वालों ने ये आरोप लगाए थे कि उनकी भी मौत है वो इस शराब से ही हुई है, तो उनके मामले भी हम इसी जो जांच से हमने शुरू की है उसे जोड़ करके देख रहे हैं, तो टोटल 18 व्यक्तियों की जो मृत्यु है उससे रिलेटेड केसेस की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है,
सर, जो आरोपियों को पकड़ा गया है कहाँ कहाँ से उसके कनेक्शंस थे और कैसे ये योजना बनाई गई थी? देखिए, इस संबंध में अम्बाला में भी एक मामला दर्ज किया गया है और साथ ही जो यमुनानगर में हमने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी, उसमें कुछ जो अवैध खुर्दे चलाने वाले या कुछ ठेकेदार या कुछ ऐसे लोग थे जो इलीगली वे में मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ये सभी आपस में इनका एक सांठगांठ सी थी। तो इन सभी जो आपस में इनकी जो गतिविधियाँ थी उनको आपस में जोड़ते हुए और एक प्री प्लानिंग वे में इन्होंने इस योजना को अंजाम दिया था और इसी हिसाब से हम जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं। जहरीली शराब से मौत के बाद आबकारी विभाग सवालों के घेरे में है। आबकारी विभाग की डीईटीसी सरोज देवी ने कहा कि चेकिंग तो करते थे पर वो सीधे सवालों का जवाब घुमाकर दे गई हैं। एक्साइज विभाग रेगुलरली चेकिंग करता रहता है, ऑन क्लॉक द वे हम चेकिंग ड्यूटी लगा रखी है सबकी, एक एक दिन सबकी ड्यूटी होती है। आउटर की जो भी एरिया में है उसमें सभी चीजें चेक करनी होती है। बाकी डिपार्टमेंट सैंपल भी लेता रहता है हर एक ठेके से, जैसे इंस्पेक्टर जिस एरिया में जाएगा वो सैंपल लेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, कैमरा चेक है कि नहीं है। अभी हमारी एक ड्राइव भी चली थी पीछे 15-20 दिन हो गए, जिसमें हमने ठेके पर एक तो POS मशीन जो होती है जिससे बिल निकलता है उसकी, और एक जियो टैगिंग की, हर एक वेंड की जियो टैगिंग करवाई थी। तो वो एक मास लेवल पर हमने हर एक ठेके को चेक किया है। मैम, एक ये पूछना था कि जो शराब सप्लाई हुई जहरीली शराब, उसके बैच नंबर के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे कि क्या बैच नंबर था, और वो बैच नंबर क्या विभाग द्वारा लगाया जाता है या ठेकेदार के द्वारा? मुझे मौके पर भास्कर का एक पत्रकार था, उन्होंने भेजा था, थोड़ा बहुत पुलिस से भी पता लगा है कि वो बैच नंबर नवम्बर 2021 माल्टा था। तो अभी तक तो यही था, और जो बैच नंबर होता है, जो लेबल होता है, वो लेबल डिपार्टमेंट से पास होता है। नए साल का नया लेबल होता है, पुराने साल का लेबल से वो डिफरेंट होता है, एक नहीं होता, उसमें डिफरेंट होता है, कलर का डिफरेंस होता है और उसका जो मार्क का होता है उसका होता है, इंक का होता है। और जो बैच नंबर है वो डिजिटली लगाते हैं, वो डिपार्टमेंट नहीं लगाता। डिपार्टमेंट माने तो हेड ऑफिस से सब होता है सर्कुलेट। मैडम, अगर आप, आपकी टीम, आपका विभाग सर्क होता तो इतने लोग मौत की नींद नहीं सोते, कई जाने बच सकती थी। अगर विभाग के अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करते, वक्त वक्त पर चेकिंग होती, अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर शिकंजा कसा जाता तो कितने ही बच्चों के सर से पिता का साया नहीं उठता। अकेले मंडेबरी गांव में 9 लोगों की जान गई है। मरने वाले गरीब दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इनमें भी ज्यादातर ऐसे जिनकी मजदूरी से ही घर का चूल्हा जलता था, तभी परिवार के लोगों के पेट की भूख मिटती थी। इनकी मौतों ने परिवारों से मुंह का निवाला भी छीन लिया। अब ये राम भरोसे हैं। सरकार भरोसे इसलिए नहीं कह रही क्योंकि इन्हें सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। फिर भी चाहते हैं सरकार सुध ले। इस तरह के मामलों में असल मदद की बजाय राजनीति ज्यादा होती है। विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है, सरकार जवाबदेही से बच निकलती है, जांच के नाम पर लीपापोती शुरू हो जाती है, पर यह सिलसिला रुकता थोड़े है। उधर मातम में लिपटे इन लोगों की भी एक ही मांग है कि अवैध शराब का कारोबार बंद होना चाहिए। देसी शराब के नाम पर जो जहर बेचा जा रहा है वो बंद हो, ताकि फिर किसी का अपना इस जाम को पीकर ना मरे।